हेलो, हाँ हाँ ऐसा है कि यहाँ पर जो है वो हमारा जो मिलता है ना वो जीबी वगैरह वो सब उसमें चूँकि 17 वीडियो पड़ रहा है, 4 वीडियो 5 वीडियो रोड डाले जा रहे हैं तो इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो हाँ, तो इसीलिए हमने कहा चलो हम कैमरे में इसको कैमरे में अपने कैद कर रहे हैं और कैमरे में कैद करके इसको फिर हम डलवा देंगे यूट्यूब पर, है ना। तो हाँ, हमारा संदेशा लोगों तक पहुंच जाएगा जी। तो मैं रखूं? अच्छी बात, ठीक है। जय इस समय सुबह के लगभग 9:15 बज रहे हैं। यहाँ का आप सब सीन देख रहे हैं, लखनऊ मंदाग्नी इसको कह सकते हैं। अच्छा नहीं, मंदाकिनी कॉलोनी कहेंगे इसको ना। और कौन, अयोध्या, अवध बिहार मंदाकिनी कॉलोनी। अच्छा, ये बहुत दूर तक कॉलोनी बनी है। कॉलोनी वैसे सामने वाली बिल्डिंग है। हाँ हाँ, नहीं वो जो दूर वाली नहीं। अच्छा अच्छा, ये सामने वाली भागीरथी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मंदाकिनी कहीं कहलाएगी और सामने वाली भागीरथी। अच्छा, वो भागीरथी है और वो उधर वाला जिसमें दूसरी जगह। अच्छा, जिसमें राक्षस का जो वो तो मंदाकिनी में ही है। वो मंदाकिनी में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये क्या नाम, अच्छा हाँ, रोड के उस पार। अच्छा, वो 3 बेडरूम वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ एकदम पूरा ये समझिए एकदम अमेरिका के जैसा दृश्य है, अगर ये सब झोपड़ पट्टी बीच में ना बने हो। अभी इधर मॉल बनेगा। अच्छा, और अस्पताल एशिया सबसे बड़ा। अच्छा, और चारों तरफ आप लखनऊ का सब सीन देख रहे हैं, काफ़ी धुंध छाया हुआ है और इस समय 9:15 बज रहे हैं। पांडे जी का 2 बार गुड़गांव से फ़ोन आया तो हमने कहा महाराज हमको जो जीबी मिलती है वो हमारे वीडियो पढ़ा करते हैं, 3 वीडियो 4 वीडियो, चूँकि हजारों वीडियो अभी हमारे पढ़ने के लिए बाकी हैं, हजारों वीडियो, 1-2 नहीं। तो जब से कैमरा आया है, अगर काश कहीं हमारे पास कैमरा अगर 20 साल पहले भी होता तो कम से कम हमारे लाखों वीडियो बन जाते, हर दिन का बनता, हर काम का बनता और एक कठिन काम का बनता। तो हमारा ले लेकर सिर्फ एक ही मेरा उद्देश्य है, मेरा ये कहना है, मेरा ये समझाना है, लेकिन हमारी बात जिनके अंदर मनुष्यता है वो हमारी बात को तवज्जो देंगे, हमारी बातों पर गौर फरमाएंगे और सोचेंगे कि जन्म के पहले कहाँ थे नहीं मालूम, मरने के बाद कहाँ जाएंगे नहीं मालूम। वो किताबी आपको ख्याली पलाव जो खिला दिए जाते हैं कि दुआ से और ताबीज से और मंत्र से और तंत्र से अगर आदमी को जन्नत और स्वर्ग मिलने लगे ना तो फिर कोई आदमी अच्छा काम करना ही बंद कर दे। फिर तो जितने गलत से गलत काम करें आप और आराम से उसका मजा लीजिए दुनिया का। इसलिए दुनिया भगवान ने ये दिन रात अमीरी गरीबी सुंदर कुद्रूप पागल ज्ञानी गरीब में भी महागरीब, उसमें भी भिखमंगे में भी कोढ़ी और कोढ़ी में भी खाज, इतना सब कुछ ईश्वर ने प्रभु ने आपके सब कुछ दिखाया है पूरी दुनिया को, ठीक। और हम लोग करते क्या हैं कि 1000 साल पहले जो किताबों में बातें लिखी गई थी हम उनके ऊपर अमल पूरी तरह से अमल नहीं करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समय के अनुसार सब कुछ वो बदल जाती है, उनमें बदलाव आ जाता है। तो अब जैसे पहले दहेज लेना बड़ा अच्छा माना जाता था, बड़ी उसमें इज्जत मिलती थी, दहेज में ये मिला, दहेज में वो मिला। आज दहेज कानूनन जुर्म हो गया है, काहे हो गया है जुर्म, चूँकि दहेज के नाम पर कितनी हत्याएं अब तक हो चुकी हैं, कितना
अपराध हो चुका है और आज भी हो रहा है। अगर यहाँ का ये जो मेरे देश का कानून है ये इसमें अपराध तो कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं, तो हमको और देशों से हमको कुछ सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि हमारे यहाँ एक पता नहीं कैसा कानून है, उस कानून का मैंने नाम दिया है मनमानी। मनमानी जो आप चाहें वही कानून, ये तो नेपाल वाला कानून हो गया मनमानी। जैसे कोई देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए किसी आदमी ने अपनी कुर्बानी दे दी हो, बड़े कष्ट उठाए हों, अपने को बर्बाद किया हो, नष्ट किया हो, अपने पूरी ज़िंदगी को, जवानी को ख़त्म कर दिया हो समाज की सेवा में, देश की सेवा में नहीं विश्व की सेवा में, मतलब उसकी भावना है कि विश्व शांति हो जाए, पेड़ पौधे पशु पक्षी जो हैं ये प्रभु के बनाए हुए सब, ये उनकी एक रचना है, उन रचनाओं को हम उनकी हत्या कर दें। इतना सब कुछ दुनिया में खाने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद हम मांस खाएं, ये विश्व का आठवां आश्चर्य है। ये सब नीचे का सीन आप देख रहे हैं, ये सब विश्व का आठवां आश्चर्य है। किस इतनी मिठाइयाँ मसाले मेवे के बावजूद हम किसी का मांस खाते हैं। कई लोगों ने हमको फ़ोन किया, बाबा जी हम परेशानी में हैं, हमारा काम ठप पड़ा है और कुछ दुआ कीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो मेरा मतलब ये है कि दुनिया वालों सुनो, क्योंकि हमें तुम्हें ठगना तो है नहीं, नहीं तुमसे हमें कुछ पैसे लेने हैं, ठीक। तो हम सही बात बोलेंगे। जो अभी मिसेस शर्मा, आज भी वो हम लोगों के साथ लखनऊ आई हुई हैं, तो उनके हस्बैंड जो हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बाबा जी कबीर साहब ने किसी से दिखवाया, कहाँ और किसी से दिखवा दिया। लेकिन आज के आप ऐसे कबीर हैं जो आप ना आप कह स्वयं कह रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। तो हमने कहा शर्मा जी ये बातें कौन सोच सकता है मालूम है, ये बातें कोई जो सोचेगा वो आदमी वही सोचेगा जो स्वाभिमानी होगा और निहायत ईमानदार होगा, वही सोचेगा। तो ये आपके विचार हैं, हम भी देखते हैं कि हमने भाई कबीर साहब ने कोई कष्ट नहीं उठाए होंगे, ठीक। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आए, सब कहे तपस्या भले किया, कंद मूल भले खाया, लेकिन अब घायल बंदर को पकड़ना, घर में लाना, इलाज कराना, सुअर मिले तो उठा लाना, गधा मिले तो ले आना, कुत्ते को लावारिस घायल कुत्ते को जिसके रेबीज भरे हों और उस कुत्ते को लाना घर में महीनों महीनों रखना और इसी में लाखों रुपए घर का फूंक देना अपनी निजी पूंजी, ठीक, न सरकार से लेना, न दरबार से लेना, न किसी से मांगना। और इतना करने के बाद पूरी ज़िंदगी उसमें लगा देना, और वो आदमी अगर आज यूट्यूब ना होता तो हम तो मर के चले गए होते। तो यूट्यूब में मुकेश अंबानी को कितना पुण्य मिल रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतना पुण्य उस आदमी को मिल रहा है बैठे बैठाए, इतना पुण्य उसको मिल रहा है मुकेश अंबानी को, वो कई जन्मों तक अरबपति खरबपति बनता ही रहेगा। क्यों, एक एग्जाम्पल है कि आज यूट्यूब के फ्री होने से मैं इंटरनेट पर आया, वरना मैं इलाज करता कि इंटरनेट का मैं खर्चा उठाता। तो फ्री इंटरनेट करके मुकेश जी ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, और ये मोदी जी के पीरियड में हुआ। तो अब मोदी जी के पीरियड में हुआ तो सारा श्रेय मोदी जी को मिला कि नहीं मिला, मोदी जी को मिला। हेलो, हाँ बोलिए,
मैं बाबा जी ही बोल रहा हूँ, मैं लखनऊ आ गया हूँ। और जय हो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बस्ती से। हाँ, तो ऐसा भैया, इस समय हम एक कैमरे के आगे एक प्रोग्राम में कुछ बोल रहे हैं, तो आप जो है एक 15-20 मिनट के बाद हमको मोबाइल कर लें। ठीक है, मैं रखता हूँ। कोई साहब हैं बस्ती से बोल रहे हैं। इसी तरह दिन भर फोन आता है, दिन भर तमाम फ़ोन को मैं नहीं उठा पाता हूँ, बंद कर देते हैं। करें तो क्या करें, कितने कामों को आप देखेंगे। देखिए, जिस अमरूद को मैंने भेंट किया था, ये अमरूद अब उनको अभी मेहता साहब को फ़ोन मिलाना है। मेहता साहब को देखिए, उनको ये सेब टाइप का अमरूद, काला अमरूद जो है ये भुवन जी को दे दूंगा, जो रायबरेली के भुवन सिंह हैं। हालांकि अब वो 100 पीस रह गया है, गल गया है फ्रिज में रखे रखे। और ये मेहता साहब को देना है, अभी उनको हमको फ़ोन करना है कि वहाँ जाएँ तो उनको मैं दे दूँ। और बस जैसे देखिए, हल्का हल्का जो है सूरज का प्रकाश, क्योंकि बादल बहुत है ना, बादल बहुत है, धुंध बहुत है, तो अब कुछ धूप के वजह से ये बस्तियाँ सब दिख रही हैं। तो यही दुनिया है, संसार है। अब जो बहुत सी आत्माएं हैं, सब इसी को देखती होंगी, हैं। और यही समाज है, यही संसार है। इसी के अंदर अगर जहाँ आप प्रवेश किए, एकांत, अब इससे ये भी एक तपोस्थली है, ये कॉलोनी जो है एकांत तपोस्थली है, समझिए। तमाम लोग, नए नए लोग आ रहे हैं, इसमें बस रहे हैं, आ रहे हैं। ये तपोस्थली है एकांत, ना कोई शोर, ना गुल, ना कोई आवाज़। और इसी तरह हम देखते हैं कि दुनिया में लोग मार, अभी हम लाइव पर बोलेंगे तो वो उनको गाली दे रहे हैं, उनको कुछ बोल रहे हैं, कोई हमारे ऊपर कुछ बोल रहा है। तो हम उनको यही समझाते हैं कि भाई देखो, एक चीज़ नोट कर लो, अगर हम मनुष्य हो तो, अरे तुम सोचो कि आखिर हो कौन तुम, कुत्ते हो, गधे हो, कौन हो तुम, घोड़े हो। अपने को मनुष्य तभी समझो, अपने को इंसान तभी समझो जब तुम्हारे अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हो, ईमानदारी हो, रहम हो, दया हो आपके मन में। तो जब ये इंसानों की यही पहचान है, रहम दिली और ईमानदारी, हैं, रहम दिली, ईमानदारी। तो अब इसको हम लोग हिंदी में अपने बोलेंगे क्या, क्या नाम, दया। इसीलिए हमारे रामचरितमानस में लिखा है, दया धर्म का मूल है। मूल माने जड़। जितने भी संसार में धर्म हैं, उनका जो जड़ है, उसकी जो बुनियाद है, वो जानते हैं क्या है? दया है, जयराम जी की है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम रामायण सुनते हैं, हम रामायण कहवाते तो हैं, लेकिन ठीक उसका उल्टा काम हम लोग करते हैं। तो ये धर्म का ढिंढोरा पीटने से देखिए काम चलने वाला नहीं है। एक अकेला आदमी, ना नेता, ना अभिनेता, ना कोई डिग्री, ना डगरा, कुछ तो नहीं मेरे पास। एक अकेला आदमी आज चैलेंज कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, एक क्वेश्चन कर रहा है कि ये बताइए कि कहीं आपने मनुष्य देखा है? अगर देखा है तो उसका लक्षण बताइए जरा। चलिए माना आपने लक्षण भी बता दिए, तो तीसरा सवाल हमारा ये होगा, आखिरी, आपने स्वयं से क्या किया है कि हम आपको मनुष्य कह पाएं? वहीं आपकी बोलती बंद हो जाएगी। या तो 70 साल तक हमारे जैसा एक जुनून में रह के, पागलपन में रह के, नाना प्रकार कितनी बार जान से खेले होंगे अब तक, कितनी बार जान की बाजी लगा दिया होगा। अरे फन वाले जंगली सांप के पास जाना, पकड़ना, अब उस समय ना फोटो था ना कैमरा था, लोग गवाही तो हैं कम से कम। काला नाग, नागिन जो उछल के काट लेती है यहाँ पर, उसको भी, उसकी भी जान बचाई, लोग गवाह हैं इस बात के। आप रायबरेली आओ, पता लगाओ, यहाँ वहाँ 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 खूब पता लगाओ, लाओ 1-15 दिन, तब आपके होश उड़ जाएंगे।
बजाय टीका टिप्पणी करके, इंसानियत अगर आपके अंदर होगी, सही मानों में अगर आप इंसान होंगे, तो आपकी निगाहें झुक जाएंगी, आपकी आत्मा धिक्कारेगी। अगर इंसानों का दिल आपके अंदर होगा तो, और जो शैतानों का दिल होगा, अगर आप शैतान होंगे, हैवान होंगे, तब भी मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए अभी हम नीचे सबसे ऊपर के मंजिल में आ गए हैं। आ करके हमने कहा अभी देखिए सब, एक निकाला, फिर दो टैबलेट निकाले, वो मोबाइल निकाला, नहीं काम हुआ, इसको बंद कर दें डोंगल को। तो वो वीडियो के वजह से थोड़ी गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया। खैर चलिए, अभी तो बेटी ने घर ले लिया है, तो अब तो आना जाना यहाँ लगा रहेगा। तो हम तो निशा शर्मा से यही कहेंगे कि मैसेज आप वो बहन जी, आपको अपने रायबरेली में अपने मकान को किराए पर उठा दो, और वही किराया हमको दे दो, हम हमारे मकान में रहो आ करके, ऐसे किराएदार को दो कि आसानी से खाली हो जाए, और आप हमारे यहाँ आप आराम से रहिए। कितने दिन के लोगों की ज़िंदगी है साहब, इस थोड़ी सी ज़िंदगी में प्रेम से रहो। अब निशा शर्मा है, उनका परिवार है, तो एक ईमानदार और स्वाभिमानी, दोनों दोनों चीज़ें हमारे अंदर जो है वो उनके अंदर है, कि किस तरह लावारिस कुत्ते को पाला, किसने आराम से रखा, उसके मरने पर उसकी तेरहवीं मनाई, उसका जैसे मनुष्यों के लिए किया जाता है वो शर्मा जी ने किया। हमारी बेटी किस तरह तीन तीन चार चार कुत्तों की टट्टी उठा के फेंकती है, सोचिए आप, जिसके घर में नौकर चाकर ड्राइवर गाड़ी सब कुछ हो, और उस लावारिस कुत्ते की टट्टी फेंकते हैं कि पैर टूटा, किसी का कमर टूटा। ये मानवता की पराकाष्ठा है मुरारी, जो बाबा आए हैं, नीचे भी पूजा पाठ हो रहा है, तो मानवता की पराकाष्ठा, सेवा की पराकाष्ठा यही है कि किसी की भी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, यही हमारे गीता में लिखा हुआ है, यही सारी बातें गीता में लिखी हुई हैं, कि जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो वही योगी है, वही मनुष्य है। प्राणी मात्र में अपने आप को देखो, तभी तो हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं भैया। हैं भाई, जानवर जानवर को मार के खा रहा है, और आप भी जानवर को खा रहे हैं, तो आप में और जानवर में फ़र्क क्या रहेगा? यह बड़ा कड़वा सच है, सुन के बड़ा बुरा लगेगा। अरे भैया, आप अच्छे ढंग से रहोगे, आप आज जिसका मांस खा रहे हैं वो कल आपका मांस खाएगा, ये प्रकृति ने एक लीला बना दिया है, तो क्यों ऐसा काम करते हो? हैं भैया, आप मांस खा रहे हैं, मान लीजिए चलिए एक साल आप मांस खाएं, एक साल के बाद जितने लोगों के मांस, जितने जानवरों के आपने मांस खाए हैं, वो सब अपना हिसाब लेने आ जाए, तो तब तो आप भाग खड़े हो गए, लेकिन उससे नहीं बच पाओगे। क्यों? तुम्हारी मौत उसी के हाथ में है, तुम्हारी तकदीर उसी के हाथों में है। कबीर साहब थे, वो हिंदू मुसलमान दोनों को एक फटकार लगा के गए हैं, ऐसा सदगुरु कहीं देखने में नहीं आया, वो एक पक्षी लेके नहीं चले हैं। आज कबीर के कबीर विचाराधारा पर अगर आज पूरी दुनिया मात्र 15 दिन के लिए कबीर की बातों को माने, तो पूरी दुनिया बदल जाए। अब कबीर साहब की बातों को मान लो, कुछ हमारी भी बातों को मान लो, क्योंकि मरे बेटुआ की बड़ी बड़ी आँखें एक कहावत है, तो आप बड़ी मरे बेटुआ में बड़ी बड़ी आँखें देखेंगे, जब आदमी जिंदा है तब आप उसकी कीमत नहीं समझेंगे, नहीं नहीं नहीं, उसकी कीमत तब आप नहीं समझेंगे, मर गया तो बस काम चालू, उसी के नाम पर धंधा लोग करते हैं, मूर्त बना दिया, चढ़ावा ये वो ऐसे रहे ऐसे रहे, वो इतनी बात को इतना बढ़ा दिया जाता है। जैसे आलाउदल की कहानियों में नौ मन का चमचा रहा, हम कहा क्या लोग मजाक बनाते हो, नौ मन का दाल परोसने का चमचा, अरे वीर थे, महा बहादुर थे, उनकी बहादुरी के गुणगान गाओ, लेकिन इतना मत बढ़ाओ कि कहीं वो मजाक बन जाए। वो नौ मने का चमचा रहा, का रहा, अरे हमने कहा नौ मन का चमचा था तो दाल कितना खाते रहे होंगे, सोचने की बात है। तो
वो सब देश की शान थे, आल्हा उदल, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अमर सिंह राठौर, शान थे देश की। आज हम लोगों को उनकी कदर करनी चाहिए, जातवाद को महत्व नहीं देते। भाई काम करो तो जातवाद, जात अगर आपको है बनना कि भैया हम ऊंची जात में हैं तो अच्छा काम करके दिखाओ। तो हमारे ख्याल से जातवाद के तो हम खुद ही खिलाफत में हैं, अपने नाम के आगे से मैंने जात को भी हटा दिया, लेकिन उसका रिजल्ट मेरे सामने नहीं आया। अब थोड़े से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि भाई हम भारत के हैं और दुनिया बहुत बड़ी है, तो भारत का एक आदमी एक बहुत बड़ा काम किया जान पर। कितनी बार मैंने जान पर खेला होगा, एक दो बार, कितनी बार, और करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं और ले नहीं रहे हैं आपसे। आप पैसा भी देते हैं भैया 11 रुपये भेज दो, 51 रुपये भेज दो, बस हम पैसे भी तो नहीं आपसे, लोग भेज देना चाहते हैं, मैं मना करता हूँ। हमको कोई ज़रूरत होगा कि साहब हमको ये चीज़ लेना है, हमको इसकी ज़रूरत है, तो उसमें आप लोग मदद करो, और वो सामान आएगा आपके सामने, आप वीडियो देखेंगे। उस वो सामान जैसे बंदर भूज की गाड़ी हमने लिया, तमाम लोगों ने कहा बाबा जो गद्दा वाला सेठ है वो हमारे परिवार में भी लोग, अरे वो बंद गाड़ी ले लो पानी बरसेगा तो क्या होगा। ना, ये भक्तों के पैसे से मैं ले रहा हूँ। तो भगत लोग अपने पैसे का उपयोग देखेंगे तो उनकी आत्मा प्रसन्न होगी कि बंदर भोज की गाड़ी, इसी रंग की गाड़ी आ गई, उसी गाड़ी में ही सारे बंदर खाते हैं। कोई जानवर जो था, जैसे बछिया थी हमारे यहाँ बिना माँ की बछिया जो थी, उसको जब ख़त्म हो गई, अच्छी खासी बछिया थी, क्या भगवान जाने एक अजीब हालात है, तो वो ख़त्म हुई, उसी गाड़ी में लाद के ले गए। बरसात के दिनों में उसमें तमाम पेड़ पौधे ला देंगे, पर्यावरण की सेवा करेंगे, सब निस्वार्थ करते हैं, एक पैसा फीस लेते हैं ना, कोई मैं मेहनता ना लेता। लोगों मैं बुलाता हूँ भैया आओ, सब कुछ आँखों से देखो, बिना देखे किसी पर बोलने से तुम अपने देश की जड़ें काट रहे हो। कोई देश का आदमी अगर रेस में आगे भाग अपनी बढ़त बनाए है तो तालियाँ बजाओ, और न ताली बजाओ तो उसके मनोबल को मत गिराओ। अगर गिराओगे तो हम यही समझेंगे कि देश को गुलाम करने वाले, देश को गुलामी तक पहुंचाने वाले आज भी लाखों की करोड़ों में हैं हमारे देश में। वो चाहते हैं कि उनका उल्लू सीधा हो जाए और देश गुलाम हो जाए, वो चाहते हैं, लेकिन खैर चलिए अब ये प्रभु की इच्छा है। अरे आज तुम पूरी दुनिया में हमारे भाषणों को सुनाना चाहिए। अब शर्मा जी ने अभी कहा कि नहीं कहा, उनके निशा शर्मा के पति देव ने, कि बाबा आज के कबीर आप हैं, उन्होंने मूल्यांकन किया, वो भी तो हमको गाली दे सकते थे, टीका टिप्पणी करते, वो शर्मा जी हैं, हम मिश्रा जी हैं, किसी में कुछ जलेसी में बोलते, लेकिन नहीं, तो नाम के आगे लोग लगा देते हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं रहा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मानवता से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं चारों तरफ का एक बार दृश्य दिखाई देता हूँ, तो मैं इसको बंद करूँगा। जो सामने आप देख रहे हैं मंदाकिनी कॉलोनी, ये मंदाकिनी कॉलोनी है, ऊपर के मंजिल से मैं किनारे जाने में थोड़ा सा भय लगता है। ये देखिए आप सब, सब रास्ते हैं, ये है, 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 ठीक, सब आप देख रहे हैं। तो ये सब मनोरम दृश्य है, साफ पूरी सफाई, ना कोई शोर ना गुल, सब अपने अपने कमरे में, अपने अपने मकान में, अपने अपने फ्लैट में लोग रह रहे हैं। तो लखनऊ जो है ये दिल्ली को भी मात कर रहा है, और हमारे योगी जी, मोदी जी जो नव भारत का अब सपना देख रहे हैं, नव भारत का निर्माण
करने में लगे हुए हैं। तो एक मकान जब आपको आपका मकान बनता है नया और पुराने मकान को गिराया जाता है तो कितनी तकलीफें होती हैं आपको मालूम है, कितने सामान आपके खो जाते हैं, कितनी सामग्री आपकी टूट जाती है, कितनी आपको तकलीफें उठानी पड़ती हैं। ये घर में सामान है कहीं दबा पड़ा होगा और आपको दूसरा देना पड़ता है, यानी दिक्कत नहीं महादिक्कत, महादिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक, महादिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज वही हाल है जो मोदी जी जिसके लिए बता रहे हैं कर रहे हैं। और मैं कई बार मैंने कहा कि मैं एक नए पैसे का भी नहीं हूँ कि एक नया पैसा हमने किसी पार्टी से लिया हो या एक गिलास पानी उनका मैंने पिया हो। निस्वार्थ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई ध्यान दे और चाहे ना दे, मैं ही हूँ जो सोनिया जी के नाम से 24 दिन का अनशन मई जून के महीने में मैंने किया था। ठीक, और वो हमको हाथ जोड़ के मनाया था उन्होंने आके, और सारे अखबार सारे कटिंग फोटो सब रखे हुए हैं निस्वार्थ भाव से। जब हमारे सामने एक विपत्ति आई है, बड़ी मामूली सी मांग थी हमारी, बड़ी छोटी सी मांग थी और वो नहीं पूरा किया गया, तो बड़ी नफरत पैदा हो गई कि हमने तो निस्वार्थ ढंग, भाई आपको देखा, आपको अब पता लगा आप फलाने ग्रुप का खून नहीं मिल रहा है, अब हॉस्पिटल में आपका बच्चा एडमिट है, तो तड़ाका मैंने खून दे दिया अपना, तो आपके बच्चे की जान बच गई। अब जब हम मुसीबत में आए तो मेरा ये कहना था कि साहब खून नहीं, हमको केवल आप गर्म पानी दे दी, हमको दे दें एक हफ्ते तक, तो आपने मुझे खून के बदले पानी भी नहीं दिया, तो हम आपसे नफरत नहीं करेंगे क्या, प्रेम करेंगे हैं? हम लोग तो पुराने कांग्रेसी रहे, हमारे हमने कई बार कहा कि हमारे परिवार में दो दो सेनानी हुए हैं, एक एक नहीं दो दो, हम सेनानी परिवार के हैं। तो जब आप लोग नहीं पहचानते हैं तो आज अंजाम उसका देख लीजिए। कोई भी आदमी निस्वार्थ सेवा करेगा उसे अवघड़ पंथ कहते हैं। अवघड़ पंथ का मतलब यही है, अवघड़ पंथ में नहीं कि शराब पीना और मांस खाना, वो तो जाहिलों का काम है, वो जो बेवकूफ़ टाइप के जाहिल है, बड़े बड़े तंत्र मंत्र वाले फलाने धमाके सा, हमने सबको तो चैलेंज किया है कि बड़े भारी मंत्र वाले हो तंत्र वाले हो अपना मंत्र चलाओ हमारे ऊपर, तो हम जाने दिखाओ हमको अपना मंत्र, भाग जाओगे मैदान छोड़ के। क्यों? सेवा परमो धर्मा, ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, सेवा परमो धर्मा, सेवा से बड़ा धर्म संसार में नहीं है और मानवता से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अगर आपके अंदर मानवता आ गई तो आप ना झूठ बोलेंगे, ना ऊंच नीच का भेदभाव रखेंगे, है ना, वो जो झाड़ू लगाता है सड़कों पर सफाई करनी है ना, उसको भी आप अपने बराबर पर बैठाओगे, उसके घर में आप खाओगे जा करके, अगर आपके अंदर मानवता होगी तो। ठीक, तो मैं काफ़ी देर बोल चुका हूँ, मेरे ख्याल से आधा घंटा पौन घंटा तो हो ही गया होगा, बोलने लगते हैं तो भाव में आ जाते हैं फिर भूल जाते हैं कि वीडियो लंबी हो रही कि छोटी हो रही है। मैं वाणी को विराम देता हूँ। लखनऊ का सुबह का आप सीन देख रहे हैं, अवध बिहार कॉलोनी, अलग अलग सबके ये मंदाग्नि है, वो भागीरथी है, सुंदर मनोरम दृश्य देख रहे हैं, चार बाग रेलवे स्टेशन सब उधर है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।